हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी राष्ट्र के लिए, उसके नागरिकों के लिए जितना ही इम्पोर्टेंट उनके अधिकार होते हैं, उतना ही नागरिकों का कुछ राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी होता है। उसी से रिलेटेड आज हम लोगों का टॉपिक है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान में मूल रूप से जो संविधान बना उस समय यह नहीं था, यानी कर्तव्य निर्धारित नहीं किए गए थे। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के गठन के आधार पर इस मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। स्वर्ण सिंह समिति जो रही, उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को भारत में समाहित करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। मूल रूप से जो संविधान था, यानी कि जो सिफारिश थी स्वर्ण सिंह समिति की, वह 8 मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश की गई थी। लेकिन कुछ जब इस समिति आती है संसदीय पटल के पास में, तो उसमें कुछ सुधार करते हुए गवर्नमेंट 10 मौलिक अधिकारों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं। अब बात आती है, ये तो भारतीय संविधान में जो वर्णित है, यह भारतीय संविधान के पहले मैंने बताया कि जैसे कि स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारतीय संविधान में लाया गया, तो चूंकि मूल संविधान में पहले था नहीं, तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये किसी संविधान में ऐड होगा। तो इसके पहले वाला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, नीति निदेशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि सरकार के लिए कुछ एक तरह से कहिए निदेशक तत्व थे, यानी कहिए एक गाइडलाइन थी कि जिसके आधार पर सरकार अपनी पॉलिसीज, अपनी नीतियाँ अपने को बनाने में जब भी बनाए तो उसका ध्यान रखे और भारतीय नागरिकों को, पर्यावरण को, या तमाम सारे जो भी विषय हैं जो मूल अधिकार से एक तरह से कहिए वंचित रह गए हैं फंडामेंटल राइट से, वो मौलिक कर्तव्य नीति निदेशक तत्वों के द्वारा सरकार उनको देने का प्रयास करती है। लेकिन ये क्या था, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था। उसी तरह से उसी खंड में जब ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात आई, तो चूंकि आपने देखा है अनुच्छेद 37 के तहत नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी कि उसको न्यायालय के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सरकारों को मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता, कोई नागरिक उसको प्राप्त नहीं कर सकता है, सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर है। तो चूंकि ये स्वेच्छा वाली बात है, उसी तरह से जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, वह भी मौलिक नहीं है, मतलब मीन्स बाध्यकारी नहीं है, मौलिक तो है ही, बाध्यकारी नहीं है। तो बाध्यकारी न होने के कारण से इसे प्रयास किया गया कि ये उसी सेगमेंट में रखा जाए जो संविधान में बाध्यकारी नहीं है। तो जैसे सरकार के लिए नीति निदेशक तत्व तो बाध्यकारी नहीं है, उसी तरह से मौलिक कर्तव्य भी जो है नागरिकों के लिए भी बाध्यकारी नहीं है, इसी कारण से इसे इसी सेगमेंट में रखा गया। मेरे ख्याल से समझे होंगे आप लोग। तो इसे चूंकि मौलिक कर्तव्य जो नीति निदेशक तत्व रहे हैं वो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके क्या उनके मध्य में रहे हैं, तो इसी वाले सेगमेंट में, यानी भाग 4 वाले सेगमेंट में एक और खंड जोड़ा गया, भाग 4 क, और इसमें चूंकि आपने देखा था इसका लास्ट अनुच्छेद नीति निदेशक तत्वों का 51 था, तो इसे 51 क में स्थान दिया गया, किसे, मौलिक कर्तव्यों को। यानी कि एक जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई गई उनको स्थान दिया गया भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में।
ठीक है, भाग भाग में देखेंगे तो भाग चार क हो जाएगा, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 क में इसको स्थान दिया गया। ये तो हमारे संविधान में किन स्थानों पर मौलिक कर्तव्यों का रखा गया है इसके बारे में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं और ये अवधारणा आई कहाँ से। देखिए, हर राष्ट्र के संविधान में नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ उनके उनको पावर दी जाती है, एक तरह से कहिए कि उनको स्वतंत्रता दी जाती है संविधान को, संविधान के माध्यम से, यानी कि कुछ उनकी उनके लिए सरकार जो उनका उसे छीन नहीं सकती, सरकार उनको सुविधाएं प्रोवाइड करेगी, इस तरह के कुछ फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो संविधान बनाने का मकसद ही होता है कि सरकारें निरंकुश ना होने पावें, सरकारें जनता के हित में कार्य करें, क्योंकि सरकारें जो चुन करके आती हैं वो जनता के हितों को ध्यान में रख कर के ही ये जो पूरे जो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट का, वो सिस्टम यही है कि अपने राष्ट्र के नागरिकों के हितों में कार्य करें। ठीक है, तो सरकार राष्ट्र के हितों में, नागरिकों के हितों में कार्य करती है, यानी पूरी जो सृष्टि है, यानी कि पूरे जो संविधान के प्रत्येक कंट्रीज़ में जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं उसमें यही बात कही गई है, उसका जो मोटिव है कि सरकारें सिर्फ उन जनता के मैक्सिमम हितों को ध्यान में रखते हुए सही पॉलिसीज बनाने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में, कहीं कहीं राष्ट्रों में 4 वर्ष में, जैसे जहाँ पे है रूस वगैरह में 6 वर्षों में सरकारें अपना चुनाव होकर के निर्वाचित होकर के आती रहती हैं। तो उनका मोटिव यही होता है कि नागरिकों के हितों को और अच्छा किया जाए, राष्ट्र को और उन्नति की तरफ अग्रसर किया जाए, ले जाया जाए। तो ये तो बात होती है सरकारों के लिए, और साथ ही साथ नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तो जब किसी व्यक्ति को राइट कुछ मिलेगा तो उसकी तो कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, कुछ उसके कर्तव्य भी होने चाहिए। राष्ट्र आपके लिए सब कुछ करेगा, सब सही है, लेकिन आप भी एक भारतीय नागरिक या किसी कंट्री के नागरिक होने के नाते आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, कुछ आपके भी कर्तव्य होते हैं कि जो राष्ट्र के लिए आपको करने चाहिए। वही जो कर्तव्य ही होते हैं आपके, जो आपको करने चाहिए, वही क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे हम अपने परिवार के प्रति क्या होते हैं, पिता माँ जो भी हमारे अभिभावक हैं वे हमें क्या करते हैं, हमारा पूरा संरक्षण करते हैं जब तक कि हम किसी काम के लायक नहीं हो जाते हैं। बचपन से हमारे खाने पीने से लेकर के हमारी पढ़ाई तक, हमारी सुरक्षा, हर वो व्यवस्था देते हैं जिसके लिए एक अच्छे वातावरण में एक बच्चे का विकास हो सके, वो सारी सुविधाएं देने का अभिभावक प्रयास करता है। तो जब प्रयास करता है तो अभिभावक का ये कर्तव्य, एक तरह से कहिए कि एक कर्तव्य होता है, और वो अपने कर्तव्यों का एक तरह से अपने बच्चों के प्रति निर्वहन करता है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अच्छी जॉब में सेवा में आ जाते हैं, अभिभावक वृद्ध होने लगते हैं, तो बच्चों का भी तो कुछ कर्तव्य होता है। कर्तव्य क्या होता है कि हम अपने माँ बाप का की सेवा करेंगे, उनके बनाए हुए रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, उनके संपत्ति जो है उसको सुरक्षित रखेंगे। जैसे मान लो पढ़ाई के दरमियान होता है तो हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, अपने अपने घर की चीज़ों को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, उसको महसूस करते हैं कि हमारी अपनी संपत्ति है, उसका नुकसान करने का भरसक प्रयास नहीं करते। और जब अपनापन नहीं लगता है सार्वजनिक संपत्तियों का, आप देखते होंगे मोस्टली कितने सारे लोग जो इतना समझ का प्रयोग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को हानि पहुँचाने लगते हैं, नुकसान करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं होती, उसके पीछे क्या मोटिव होता है, उनको ये लगता है कि ये मेरा अपना नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये जो सोच है लोगों की कि मतलब ऐसी चीज़ है, उसी को लेकर के ही एक तरह से कहिए, जैसे अपने अपने घर के सामानों की सुरक्षा होती है, अपने घर के लोगों की सुरक्षा की जाती है, और उसी तरह से राष्ट्र हम लोगों की सुरक्षा करता है, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। अपने घर के लिए तो हम करते ही हैं, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही कुछ कर्तव्य हमारे इस राष्ट्र में रहने के भी तो हैं, उनके उन्हीं कर्तव्यों को क्या हमारे कर्तव्य होने चाहिए, वही एक्चुअल रूप में भारतीय नागरिक होने के नाते जब आप अधिकार ले रहे हैं तो कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी निर्धारित कर दी जा रही हैं, आपको वो करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन ये है कि ये बाध्यकारी व्यवस्था नहीं है कि आपको करना ही होगा। अब करना ही नहीं होगा तो उसके पीछे आपने देखा कि कुछ व्यवस्थाएं, क्योंकि सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि मतलब कुछ ऐसी चीजें की जाएं
कि जिससे लोगों को लगे कि हमको बांधा जा रहा है, मतलब हमको एक तरह से हमारी फ्रीडम को छीना जा रहा है। तो सरकार ने इसी नाते इस पर बाध्यकारी नहीं किया, ठीक है। तो बाध्यकारी नहीं किया मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं कि आप इसको करेंगे नहीं, है ना, आप करेंगे नहीं, आपको करना चाहिए, क्योंकि वो मान के ये चलते हैं राष्ट्र के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाने वाले लोग, उनका ये मानना है कि प्रत्येक नागरिक को ये तो करना ही चाहिए, राष्ट्र में है तो ये तो करना ही चाहिए। तो जब ऐसी भावना होती है कि ये तो करना ही चाहिए, जैसे आपका घर है तो आप घर को क्या करते हैं, हमेशा जब आप घर में रहते हैं बाहर को का गेट खुला होता है तो मोस्टली आप जा करके क्या करते हैं, उसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और चीज़ें लाइट्स जो आपकी एनर्जल वेस्ट हो रही हैं उसको क्या करते हैं, आप ऑफ कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उसको लगता है आपका अपना है, ठीक है। तो राष्ट्र भी यही अपेक्षा करता है अपने नागरिकों को कि ये सब चीज़ें तो करनी ही चाहिए, तो उसमें बाध्य करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं बात को। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अगर बाध्यकारी कर दी जाएंगी तो हमारे यहाँ फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसमें बहुत सारी धार्मिक स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये तमाम सारी चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कतें आने लगेंगी, वो फंसने की स्थिति बनेगी, ये भी एक कारण है। लेकिन मूल कारण तो जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि कोई बाध्य करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी है कि शॉर्ट सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्यों को इस रूप में बाध्यकारी किया जाए, लेकिन उस समय जो कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम बाध्यकारी इसको नहीं करेंगे, सिस्टम ये नहीं लाएंगे। तो यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है। मूल रूप से शॉर्ट सिंह समिति ने 8 मौलिक अधिकारों के बारे में सिफारिश की थी, लेकिन फाइनली वो 10 मौलिक अधिकार बनाए गए थे, ठीक है, पहली बार में। आज वर्तमान समय में देख रहे हैं कुल 11 मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य हो गए, सॉरी मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है। तो मौलिक कर्तव्य हमारे पहले 8 उन्होंने शॉर्ट सिंह समिति ने सिफारिश की थी, और उसके बाद में सरकार ने जब उस संस्तुति को देखा तो वो मौलिक जो कर्तव्य हैं वो 10 निर्धारित कर दिए गए थे, ठीक है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 हो गई है, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य आपको जोड़ दिया गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के बारे में जो प्रावधान किया गया था आपकी, ठीक है। तो ये व्यवस्था आपकी वहाँ पे जोड़ी गई थी। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था, ठीक है, उसको 11 नंबर का कर दिया गया था। अब सवाल है कि ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से आए, तो देखिए मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो विश्व में सबसे पहले रही है वो कहाँ पे रही है, ये आपका जो रूस है वर्तमान में उसे पहले एक बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था, कई राष्ट्र उसमें मिले हुए थे, सोवियत संघ के नाम से उसे जाना जाता था, USSR के नाम से उसे जाना जाता था। तो उस समय क्या था कि सबसे पहले जो साम्यवादी कंट्री रहा है रूस, रसिया या सोवियत संघ, ठीक है, उस समय चूँकि भारत जब आज़ाद हुआ था और जब ये अडॉप्ट किया गया था क्षेत्र में, तो उस समय 90 के बाद तो वो रूस का विखंडन 90 के दशक के बाद हुआ, ठीक है, 90 के बाद उसका विखंडन हुआ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विखंडन हुआ। उसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता था, एक इकाई के रूप में उसमें कुल बहुत सारे कंट्रीज थे, और 90 के बाद में क्या हुआ कि उसके राष्ट्रों का विखंडन कर दिया गया और 15 राष्ट्र उससे आज़ाद होकर क्या स्वतंत्र देश के रूप में है। आप देखेंगे तमाम सारे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब तमाम सारे जो कंट्रीज हैं ये उसी के हिस्से का हुआ करते थे, कभी इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो उस समय क्या था, भारत 1976 की बात है, ठीक है, शॉर्ट सिंह समिति जब आई थी तो इन्होंने जो है इससे अडॉप्ट करते हुए, ठीक है, एक्सेप्ट करते हुए, पहला कंट्री एक तरह से कहिए साम्यवादी कंट्री था वो जो आपका रहा है वो इसी से आपको अडॉप्ट कर लिया जाता है, सोवियत संघ से ही आपको उसको ले लिया जाता है। यानी कि पहला कंट्री, हम ऐसे को अगर सीधे शब्दों में कहें तो पहली कंट्री के रूप में आपका सोवियत संघ रहा है, जहाँ साम्यवादी कंट्री सोवियत संघ रही है, जहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में स्थान दिया गया, और भारत में सोवियत संघ से ही भारत में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया, ठीक है। और अगर देखा जाए कि चूंकि सोवियत जो सोवियत संघ था वो क्या था, साम्यवादी कंट्री था, तो अगर हम लोकतांत्रिक कंट्री में देखें तो लोकतांत्रिक कंट्री में कौन सा ऐसा देश था जिसने सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में स्थान दिया, तो उसमें आप देखेंगे जापान आपको दिखाई देगा। जापान सबसे पहला कंट्री था जो कि मौलिक कर्तव्यों को प्रजातांत्रिक कंट्रीज़ में, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था आप जानते हैं अलग व्यवस्था होती है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है जहाँ पे जनता का इस रूप में एक व्यवस्था होती है, चुनाव दूसरे रूप में होता है, और वहाँ पर लोकतंत्रीय व्यवस्था होती है एक तरह से, और साम्यवादी कंट्रीज की सारी सिस्टम व्यवस्थाएँ अलग होती हैं। तो सबसे पहला देश था जापान जिसने प्रजातांत्रिक देशों में पहला देश था, दूसरा था भारत जिसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ठीक है।
स्वीकार किया। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, तो आप रूस कहेंगे या सोवियत संघ दिया है तो सोवियत संघ कहेंगे, ठीक है, इससे लिया गया है। तो ये कुछ मूलभूत बातें आपके संविधान के संदर्भ में रही हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, और दूसरी चीज़ है कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, UNO है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, उसकी चार्टर की धारा 29(1) में ये बात बताई गई है। क्या कहा गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा उसमें की गई है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, किसमें, UNO के जो चार्टर्ड है, यानी कि एक तरह से कहिए कानून उसका जो है, उसमें 29(1) में ये बात बताई गई है। क्या कहा गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की के बारे में घोषणा की गई है। तो वो जो घोषणा है, ठीक है, UNO की जो घोषणा है, सार्वभौमिक मानवाधिकारों की जो घोषणा की गई, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कहिए या सार्वभौमिक अधिकारों की मानव की घोषणा जो कहिए, जो भी शब्द कहिए आप, तो मानव की सार्वभौमिक घोषणा जो की गई है उन संविधान UNO की धारा 29(1) के तहत, वह भी एक तरह से मौलिक कर्तव्यों की तरह ही है। तो ये भी, चूँकि UNO का जो गठन हुआ था ये भारत की आज़ादी से पहले हुआ था, ठीक है, तो उससे भी प्रेरित है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि किससे प्रेरित है, तो कह सकते हैं आप UNO की धारा 29(1) के तहत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा है UNO की, उससे ही प्रेरित मौलिक कर्तव्य हमारे हैं। और मूल रूप से लिया कहाँ गया है, तो ये आपका रूस से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। इसमें कुछ और भी उल्लेखनीय चीज़ें हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हम थोड़ा देखते हैं। और देखिए, एक चीज़ और भी इसमें थोड़ा सा जाने कि इसमें मैंने बताया ना कि बाध्यकारी क्यों नहीं किया गया। बाध्यकारी करने के पीछे का यही मोटिव था कि हमारी जनता इतनी सेंसियर है, इतनी समझदार है, हमारे नागरिकों को इतने राइट्स दिए गए हैं, तो हमारे नागरिक डेफिनेटली इस सब चीज़ों को करेंगे। तो आप चूँकि सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, सभी लोग सरकारी सेवा में जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि मौलिक कर्तव्यों की क्या इंपॉर्टेंस है। और कुछ वाद भी इससे रिलेटेड हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि अनुच्छेद में जो 11 हमारे 11 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उन मौलिक कर्तव्यों को हम जान लें पहले, कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ये अगर आप मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं जानते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत पीछे हैं। आधुनिकता के इस दौर में संविधान के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं, ये बात जाननी चाहिए। तो आइए बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, एक एक वन बाय वन हम लोग देखते हैं। पहला क्या है मौलिक कर्तव्य हमारा, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए, अब पहली चीज़ तो आप जानते ही हैं, बचपन से आप स्कूलिंग जब से आपकी हुई होगी तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ नेशनल फ्लैग मतलब जो फेस्टिवल होते हैं, राष्ट्रीय पर्व, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये तीन तरह के हमारे पर्व हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे त्यौहार और भी मनाए जाते हैं, जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों का जन्मदिवस मनाया जाता है, वहाँ भी हमें जानने का मौका मिलता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं मूल रूप से जो हमारे 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के दिनों में जो राष्ट्रीय ध्वज वगैरह जो फहराए जाते हैं हमारे, तो उनके बारे में क्या, कितनी आस्था और कितनी श्रद्धा के साथ आपके बारे में आप लोगों ने देखा होगा, कितनी श्रद्धा और आस्था के साथ आप उसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, ठीक है। तो वही बात कह रहा है पहला मौलिक कर्तव्य हमारा कि भारत के जो आदर्श हैं, ठीक है, संविधान का पहली चीज तो जो संविधान में वर्णित सारी बातें हैं उनको फॉलो करें। आप कुछ भी बातें कही गई हैं संविधान में उसको फॉलो करिए, तो ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। भारतीय संविधान, भारत देश में रहना है तो भारतीय संविधान को हमें मानना होगा, ये कॉमन सी बात है। भारत में आप रह करके भारतीय संविधान का विरोध नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, कुछ कमियां कुछ त्रुटियां हैं, उसमें सुधार की आप मांग कर सकते हैं, विरोध नहीं कर सकते किसी चीज को लेकर के, ठीक है। तो पहली चीज तो संविधान का हम पालन करेंगे, जो हमारा संविधान निर्देशित करता है हम उसको मानेंगे, साथ ही साथ संविधान के जो आदर्श हैं, ठीक है, संविधान के जो आदर्श हैं, आदर्श कैसे पता चलेंगे आपको, जब आप उद्देशिका पढ़ेंगे। संविधान के आदर्शों के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लेंगे कि क्या बताया गया है प्रियम्बिल में, प्रस्तावना उद्देशिका में क्या बातें कही गई हैं, तो वो आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो भारत के क्या आदर्श हैं, ठीक है, भारतीय जो भी संस्थाएँ हैं, ठीक है, जितनी भी संस्थाएँ हैं, चाहे लोक सेवा आयोग है, चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा, तमाम सारी जो भी संस्थाएँ हैं, वो सारी संस्थाएँ हैं
उनका भी आप क्या करेंगे, उनका भी अपने अंदर आदर भाव के साथ उसको लेंगे। कभी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई सरकारी संस्था है, कोई एक कमेटी गठित की गई, जैसे मान लो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बनाई गई संस्थाएं हो गई, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, और नारी उत्थान के लिए जो संस्थाएं गठित की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप क्या करेंगे, प्रत्येक संस्थाओं का जो भी निर्णय आएगा, संस्था जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तमाम सारी जो हमारी संस्था हैं, इनका क्या करेंगे, हम आदर करेंगे। ठीक है, इनका कभी भी हम इन संस्थाओं का अपमान नहीं कर सकते हैं, जो भी इन्होंने कहा उसका हम आदर करेंगे। अभी देखिए, कोर्ट के निर्णयों के प्रति जब भी कोई निर्णय आता है तो वो कोई निरादर नहीं कर सकता उस सब चीज़ों का, है ना, क्योंकि वहाँ पर तो थोड़ा डर है कि वहाँ पर अगर ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कुछ ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं वो डर बस नहीं करते, बाकी से लोग सम्मान बस नहीं करते। तो भारत का जो पहला मौलिक कर्तव्य कहता है वो यही कहता है कि आप उनका आदर करें, कोई भी संस्था है उनका आदर करें आप, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, जो कि हम करते हैं, सभी लोग करते हैं, 99.99% लोग करते हैं, ठीक है, वो करते हैं, और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान का भी आदर करें। ठीक है, तो राष्ट्रगान का आदर भी करें, यानी कि पूरी तरह से ये बात आप समझ गए होंगे कि सरकारी संस्थाओं का, ठीक है, भारत के संविधान के आदर्शों का, ठीक है, और राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का, इनका हम आदर करें, ये हमारा एक कर्तव्य है, और भारतीय संविधान का के नियमों का पालन करें, ये हमारा पहला क्या करता है, मौलिक कर्तव्य होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए बात करते हैं दूसरी, अगला जो टॉपिक, मतलब जो है हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं, वे हैं स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता जब थी उसके जो राष्ट्रीय आदर्श थे, जैसे आदर्श क्या रहे कि जैसे हमारा जब देश गुलाम था तो हमारे राष्ट्रीय चीज़ों को मतलब अपमानित किया जाता था चीज़ें, ठीक है, उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं किया जाता था, और ये सब भारतीय लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, तमाम सारे ऐसे विषय थे जिनको लेकर के लोगों में क्या हुआ था, उग्रता की भावना क्यों आई थी कि राष्ट्र हमारे राष्ट्र में रहते भी हैं और हम पे शासन भी करते हैं और साथ ही साथ हमारी चीज़ों का अपमान भी करते हैं। तो वो चीज़ें मतलब कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित, यानी जो उस समय जब स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनको जो प्रेरित करने वाले, जो मतलब जिनसे प्रेरित होकर आंदोलनकारी उस प्रेरणा में कूद पड़े थे, ठीक है, उन प्रेरित कर उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें, यानी उन आदर्शों को आज भी बनाए रखें। जैसे कहने का मतलब क्या था, आज़ादी चाहिए हमको, ठीक है, हमें गुलामी नहीं करनी है, तो उन आदर्शों को हम माने, हम कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे कि राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र को मतलब एक तरह से कहिए कि भारतीय जनता को कभी भी एक तरह से बेचा खरीदा जा सकता है, नागरिक कभी बिके ना, अपने आदर्शों को पालन करें कि नहीं हम राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, कोई कुछ भी कहे आपसे, कितना भी बाध्यकारी करे, चाहे लोभ दे चाहे डराए आपको, लेकिन आपको क्या करना है, अपने हृदय में उच्च आदर्शों को बनाए रखना है कि भारत माता के लिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए हम अपने प्राण तक की आहुति दे देंगे। ठीक है, ये एक संस्था की मतलब राष्ट्र के प्रति आपके अंदर एक आदर भाव सम्मान होना चाहिए जो कि स्वतंत्रता को अच्छुट बनाए रखे। ठीक है, ये चीज तो मूल रूप से रही है, हृदय में संजो रखें और उनका पालन करें। तीसरा हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है, उसमें था क्या, भारत की प्रभुता, ठीक है, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अच्छुट रखें। यानी कि जैसे भारत क्या होता है, प्रभुता मतलब आप जानते ही होंगे कि अपने निर्णय लेने में सक्षम, जो भी इकाई अपने निर्णय लेने में पूर्ण रूप से सक्षम हो, उस पर किसी तरह का वह दबाव ना हो, वही संप्रभु होता है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो भारत की संप्रभुता को बनाए रखने का मतलब आप जो भी कर्तव्य करें कि भारत की संप्रभुता बनी रहे, ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब आप भारत की संप्रभुता पे, जैसे मान लो कोई निर्णय भारत सरकार ले रही है, अब पूरी जनता क्या हो जाए, भारत सरकार वो राष्ट्रहित में कोई निर्णय ले रही है, पूरी जनता क्या हो जाए कि उसको राष्ट्रहित के विरोध में सरकार के ऊपर दबाव डालने लगे कि नहीं ये मत करिए, इस तरह की चीज़ें, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा, कि हालांकि संभव नहीं है, ऐसा लोग करते नहीं है और ना ही ये होगा, लेकिन फिर भी एक भावना है कि मतलब उसकी संप्रभुता को छीनने का कोई प्रयास ना करें, संप्रभुता बनी रहे। किसके लिए, भारत के की प्रभुता, प्रभुता मतलब वही उनकी, इसकी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से निर्णय लेने की जो सक्षमता है उस पर दबाव न डाले भारतीय जनता, कोई भी जनता जो भारत के नागरिक है, और भारत की एकता, जैसे कहने का मतलब है संप्रदाय के आधार पर लोग लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, कहीं कहीं पे कुछ ऐसे उग्र लोग होते हैं जो कि बाकी लोगों का ब्रेन वॉश करके, उसको मुद्दा बना करके, उल्टी सीधी चीज़ें उसमें ऐड करके क्या करते हैं, उसको एक बड़ा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, उस माहौल क्रिएट करने से क्या भारत की एकता को भी हानि पहुँचती है। ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में देखिए अनुच्छेद 370 जो था उसको लेकर के, कि मतलब तमाम सारे विषय थे, अब तो समाप्त हो चुका है बहरहाल,
तो वही राष्ट्र की एकता भी बनाए रखे और अखंडता की रक्षा करने की रक्षा करें, ऐसा नहीं कि उसको एकता और अखंडता को उसको कहीं तोड़े, प्रभुता एकता और अखंडता को अच्छु बनाए रखें, उसको पालन करें और उसे अछूट बनाए रखने का प्रयास करें, ठीक है, अछूट रखें, ठीक है। तो ये अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य का तीसरा मौलिक कर्तव्य आपका था बेटा। अब आप बात करते हैं चौथे मौलिक कर्तव्य के बारे में। इसमें कहा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यानी कि देश की रक्षा करें आप, बिल्कुल एकदम तैयार रहें। जब भी राष्ट्र को ये चाहता है, राष्ट्र ये चाहता है कि आपको राष्ट्र की सेवा की ज़रूरत है, नागरिकों की ज़रूरत है राष्ट्र की सेवा करने के लिए, तो अगर राष्ट्र ऐसा चाहता है, देश ऐसा चाहता है, तो आप उसके लिए मतलब उसका पालन करें और वहाँ पर आप राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहें। आह्वान किए जाने पर यानी बुलाए जाने पर, कहा जाए अगर ऐसी चीज़ों के लिए, तो आप बिल्कुल तत्पर होकर के करें। ये ना कहें कि हमारा कार्य नहीं है, जैसे मान लो कहीं से कोई, अक्सर आप देखिए इसराइल को लेकर के देखिए कि उसकी पूरी जनता जो है क्या उसकी सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह से अग्रेसिव रहती है और हमेशा राष्ट्र के साथ देती है। तो उसी तरह से अगर कोई ऐसी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति आती है तो अगर आह्वान किया जाए तो सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जैसे अपने परिवारों में कोई बात हो जाने पर क्या होता है, सारा परिवार संयुक्त होकर के उस मुसीबत का सामना करता है। सेम उसी तरह की स्थिति जरूरत पड़ने पर सभी लोग क्या हो जाए, एक हो जा करके राष्ट्र की रक्षा करें, ठीक है, समझ रहे हैं, ये करें, रक्षा करें आह्वान किए जाने पर। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद, अगले अनुच्छेद के बारे में, इसके जो अगला जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में बात करते हैं। तो पांचवा मौलिक कर्तव्य हम देखते हैं, पांचवें मौलिक कर्तव्य में क्या बातें बताई गई। इसमें कहा गया है भारत के सभी लोगों को, सभी लोगों में समरसता भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, ठीक है। भारत के सभी लोगों में समरसता मतलब एक में सब जुड़े रहें, सभी में एक समान भाव के साथ, एक भाईचारे की भावना के साथ एक मेल मिलाप रखें। जैसे ईद है, दिवाली है, होली है, ये एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि इसमें क्या है कि आप एक एक, एक आपसी सौहार्द बनाए रखें, समरसता का भाव बना हो, सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर फेस्टिवल में एक दूसरे के साथ जैसे मिलजुल के हमारी जो संस्कृति रही है उसके साथ मिल करके भाईचारे की भावना के साथ में हम उसका भाईचारे की भावना का और विकास करें, ना कि उससे अपने आप को दूर करें, भावना का विकास करें। और जो धर्म भाषा क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, यानी कि हमें अगर पूर्वोत्तर भारत के लोगों से मिलना है, दक्षिण भारत के लोगों से मिलना है, पश्चिमी भारत के लोगों से मिलना है, उत्तरी भारत के लोगों से मिलना है, तो हम उनके साथ ये भेदभाव ना करें। किस आधार पर ना करें कि धर्म भाषा क्षेत्र और वर्ग के आधार पर हम उनसे दूरी ना बना के रखें, हम उनके साथ क्या समरसता का भाव सृजित करें, भ्रातृत्व की भावना का हमारा उनके साथ मेल मिलाप होना चाहिए, इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर जो है जो गणमान्य लोग हैं हमारे, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री महोदय हो गए, ये लोग जब किसी हम भारतीय ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, मान लो पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ आपको मिलती हैं, वहाँ के अपने कल्चर, एक वेशभूषा, पहनावा, खान पान एक अलग सभ्यता के तहत, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, तमाम सारे ऐसे जो हमारे राज्य हैं, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ कर जब वो गवर्नमेंट सरकार के ये लोग जाते हैं गणमान्य लोग, तो क्या करते हैं कि वो उसी कल्चर में, उन्हीं के परिधान में, उन्हीं के ड्रेस में, उन्हीं के लोक नृत्यों में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं और उनको ये बताने का प्रयास करते हैं जो एक एक मॉडर्नाइज ज़माने से लेकर के एक बहुत पुरानी सभ्यताओं में जो कल्चर होता है उस सभ्यताओं में जा करके वहाँ सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, उनको यह एहसास दिलाने का प्रयास करते हैं कि भाई आप हमसे किसी भी तरह से अलग नहीं हो, भाषाई आधार पर आपका जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण है, ये जो आपका किसी भी तरह से जो आप हमसे भिन्नता जो आपको हमारे आप में प्रदर्शित हो रही है वो एक्चुअल में है नहीं, हम दिल से आप लोगों को सम्मान देते हैं और भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना और समरसता की भावना हम लोगों में बनी हुई, ये एक मोटिव होता है, मेन कारण होता है कि जैसे लोगों को अपनेपन की भावना लगे, क्योंकि भारत एक बड़ा राष्ट्र है, इसमें विविधताओं का सृजन बहुत बड़े पैमाने पर है, तो ये बहुत ज़रूरी है भारत के लिए कि ऐसी भावनाएं भारत में बनी रहें, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बाद में क्या करें हम, तथा क्या कर रहे हैं, प्रथाओं का त्याग करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, यानी कि ठीक है, ये सब पहली चीज़ तो थी कि आप भाषा
धर्म क्षेत्र वर्ग पर आधारित कोई भेदभाव ना करें, महिलाओं की का हम सम्मान करें, ठीक है, महिलाओं का जो से रिलेटेड जो कुप्रथाएं हैं, है ना, जो जैसे महिलाओं को बेचना खरीदना या उस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करना, पढ़ाई लिखाई से उनको दूर रखना, ये सब जो कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होता है, भ्रातृत्व और समरसता की भावना का सृजन करना। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा है, छठा पॉइंट है मौलिक कर्तव्य में, यह कहता है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें एवं उसका परिरक्षण करें। सामासिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, यानी कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, जो इसमें समरसता है, एक दूसरे से जो मेल मिलाप है, उसको महसूस करिए, आप उसको समझते हुए क्या करना है, उसके महत्व को समझना है तथा उसका परिरक्षण करना है। जैसे मान लो कठपुतली नृत्य होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा राजस्थानी कठपुतली नृत्यों के बारे में, टीवी में या मोबाइल में आपने देखा होगा उस चीज़ के बारे में, जो नए बच्चे हैं, बाकी जो पुराने लोग हैं वो सब जानते होंगे। तो वो कठपुतली वगैरह में क्या है, तो अब उसको क्या है, आजकल आधुनिक ज़माना है, सारी चीज़ें मोबाइल पे हो जा रही हैं, तो धीरे धीरे इन सभ्यताओं इन कलाओं का क्या हो रहा है, धीरे धीरे दमन और समापन की स्थिति में चली जा रही हैं। तो ऐसा ना करें, हमें उससे क्या करना है, उसको सृजित करने का कार्य करना है, उनको सभ्यताओं को जो हमारी सामासिक संस्कृति है, एक दूसरे से जो मिल मिलाप के साथ हम लोग रहते हैं करते हैं, वो हमको गौरवशाली परंपरा को हमको क्या करना है, बनाए रखना है, ठीक है, किसी भी तरह से उसे हमें मतलब जो है उसका परिरक्षण करना है, ना कि उसे समाप्त करने का प्रयास करना है, ठीक है, ये बात थी आपकी इसमें। अगली हमारी है अनुच्छेद जो आपका सातवां मौलिक कर्तव्य है, उसमें क्या कहा गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये मौलिक कर्तव्य है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सरकार को मतलब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कुछ निर्देश भी दिया है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं इसके बारे में, प्राकृतिक, इसमें क्या कहा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण को, अब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते क्या क्या हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं की रक्षा करें, ये बात कही गई, क्या, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, कौन करे, ये राष्ट्र आवाहित करता है मौलिक कर्तव्य के माध्यम से अपने नागरिकों से, क्या कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें या रक्षित रखें। उसमें क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आ जाएगा, वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, यानी कि जंगली जो जितने भी जानवर हमारे हैं वे सभी हमारे आएंगे, वन आएगा, नदी आएगी, झील आएगा, ये सब सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे पर्यावरण संरक्षण के तहत आएगा, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक है सातवें नंबर का, कि प्राकृतिक पर्यावरण का हम संरक्षण करेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण में फिर से एक बार बात कर लेता हूँ, वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, ये सब क्या आएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे, और इनका हमको रक्षा करना है और क्या करना है, और संवर्धित करना है। ऐसा नहीं कि वृक्ष कट रहे हैं तो काटते ही जाएंगे, वृक्ष नहीं काटेंगे, पहली बात कोशिश करेंगे वृक्ष ना कटें, और दूसरी जगह जरूरत भी पड़ती है तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम वृक्षों का को रोपित भी करें, है ना, किसी नदी का हम उसका दुरुपयोग ना करें, उस पर बंधा बना करके उसे रोकें, उसके सतत प्रवाह को बने रहने दें, और उसमें कूड़े कचड़े और गंदगी का सृजन ना करते हुए उसे पाटने दें। बहुत सारी छोटी छोटी नदियों के बारे में आपने देखा होगा कि उसमें इतने इतने कूड़े कचड़े फेंक दिए जाते हैं कि वो अवसादित हो जाती हैं, नदियाँ बिल्कुल हो जाती हैं। झीलों की स्थिति भी देखें, इतना लोग पॉल्यूशन गंदगी फेंक देते हैं कि झीलें धीरे धीरे पड़ती चली जाती हैं। मेट्रो सिटीज़ के पास की जो झीलें होती हैं, अगर सरकार उसको विशेष रूप से संरक्षित ना करे तो लोग उसे क्या कर देते हैं, उसे पाट देते हैं, उससे पर्यावरण संरक्षण होता है, उसके संदर्भ में जितने भी जीव जंतु होते हैं वो भी मरते हैं। वनों के किनारे जितने भी शहरों का विकास हो रहा है हुआ है, उसमें क्या होता है, वनों का पूरी तरह से ह्रास होता है, वन जीवों का भी बुरी तरह से विनाश होता है। तो ये सब एक तरह से कहिए कि एक नागरिकों का एक कर्तव्य है कि इनको संरक्षित और सुरक्षित रखने का प्रयास करें, ठीक है, तो ये बात कही गई। इसी पर ही एक वाद आया था एमसी मेहता बनाम भारत संघ का, एमसी मेहता बनाम भारत संघ के वाद में, एमसी मेहता बनाम भारत संघ का वाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र सरकार को कि प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में सरकार यह निर्देश दे कि एक घंटे का प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में एक घंटे का पर्यावरण शिक्षा देने का आदेश जारी करें। ये एमसी मेहता वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है
कि अनुच्छेद 51 का के खंड 7 के अंतर्गत केंद्र सरकार से निर्देश यही करता है कि इसमें 51 का खंड अगर आप देखेंगे तो इसे 6 आएगा और नंबर में देखेंगे तो 7 आएगा, चूँकि कुल टोटल 11 हैं तो 6 मतलब होता है 7वें नंबर का। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 6 के मतलब 7वें नंबर पे आपका आएगा इसका, चूँकि आपका खंड सब पढ़े होंगे 5 होते हैं और छठा 6 होता है, तो इसमें कहेगा कि खंड 6 मतलब नंबरिंग में 7 नंबर आएगा वो। ठीक है, तो 7 नंबर में क्या कहता है, 51 का 7 नंबर का जो अनुच्छेद है आपका मतलब मौलिक कर्तव्य आपका है, उसमें ये बात बताई गई है कि केंद्र सरकार यह निर्देश जारी करे, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है केंद्र सरकार से कि आप निर्देश जारी करिए कि प्रत्येक शिक्षण संस्थानों में 1 घंटे का पर्यावरण शिक्षा उनको बच्चों को दी जाए, जिससे कि वो पर्यावरण संरक्षण हो सके। क्यों? क्योंकि इसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में देखिए बताया गया है, यानी जागरूक करने के लिए निर्देश देती है। ठीक है, कर्तव्य होगा कि प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता दे, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 सप्ताह में 1 घंटे का कम से कम पर्यावरण शिक्षा के बारे में ये तो देना ही देना चाहिए। ठीक है, ये प्रत्येक दिन नहीं है, सप्ताह में 1 दिन का ऐसा निर्देश देता है कोर्ट कि ये ऐसा केंद्र सरकार लागू करावे ऐसी व्यवस्था को। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछेगा आपसे एमसी मेहता किससे रिलेटेड है, तो पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया जाए, ये केंद्र सरकार को निर्देशित किया गया एक वाद है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 8वें मौलिक कर्तव्य की। इसमें कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, वैज्ञानिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, ऐसा नहीं पुरानी बातें परंपराओं के आधार पर नहीं, क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए, मानववाद होना चाहिए, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का आप करें ये चीज़ें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका हो, मानववाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास होना चाहिए प्रत्येक नागरिक के अंतर्गत, ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, अगला मौलिक कर्तव्य है बच्चों 9वां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यानी कि जो गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं वो क्या करें, उससे आप उसको संरक्षित करें और उससे क्या करें आप दूर रहें, किससे दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी हिंसा जो कि कानून तौर से या मतलब हिंसा ही है उससे आप दूर रहें, प्रत्येक हिंसा ही आपका कर्तव्य है कि हिंसा से आप दूर रहें, कहीं लड़ाई झगड़े में किसी तरह की जीव हत्या में आप इन्वॉल्व ना हों, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाने पावे, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग अभी उसके चर्चा हो रही थी कि किसी भी चीज़ को जिसको अपने अपनी संपत्ति नहीं समझते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट संपत्ति है, तो उसको लॉस भी करते हैं, नुकसान करते हैं, तो एक सभ्य नागरिक होने के नाते आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि ऐसा आप ना करें, ये निर्देशित करता है अनुच्छेद 19 मौलिक कर्तव्य नंबर 9। ठीक है, अब 10 क्या कहता है, कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई नई ऊंचाइयों को छू ले, यानी कि ऐसा कुछ आप प्रयास अपने कर्तव्यों के माध्यम से करते रहें कि राष्ट्र क्या हो, अब दिन प्रतिदिन अपनी निरंतर अपनी नई उपलब्धियों को वो अचीव करता जाए, ये ऐसा प्रयास करेगा कौन, नागरिक, जो भी नागरिक हैं किसी भी सेवा में लगे हुए हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, वो सभी लोग ऐसा प्रयास करें कि राष्ट्र अपनी निरंतर अपनी ऊंचाइयों को छूता जाए, आगे बढ़ता जाए। ठीक है, अब अगला बात करते हैं, ये तो कुल 10 आपके मौलिक कर्तव्य संविधान में दिए गए थे। ठीक है, मूल रूप से इसके अलावा जो अभी हमने आपसे बात की कि ये जो मौलिक कर्तव्य आपका है 11 नंबर 11 नंबर का है, इसे 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया था, देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो उसमें क्या कहा गया कि भारतीय 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के प्रावधान की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो वो जो उसमें इसमें ये मौलिक कर्तव्य में ये बताया गया है कि
आपने इसमें देखा, नीति निर्देशक तत्वों में भी देखा, इसके बारे में आपका वर्णित था बातें। यहाँ पर बताया गया है जो अभिभावक और माता पिता हैं, ठीक है, जो अभिभावक और माता पिता हैं उनका मौलिक कर्तव्य होगा कि अपने जो उनके बच्चे हैं या प्रतिपाल्य हैं, यानी कि किसी को वो पाल रहे हैं किसी बच्चे को, उस उन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए, मतलब उनको शिक्षा से वंचित ना करें, उनको पढ़ाने के लिए भेजें, उनको पढ़ने के लिए भेजें। 6 से 14 वर्ष तक क्या है कि बच्चों के माता पिता और अभिभावक के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, बात समझ रहे हैं, अवसर प्रदान करें, यानी कि मतलब उनको सरकार तो सुविधा दे रही है कि निःशुल्क 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, सरकार को भी निर्देशित कर दिया गया है मौलिक कर्तव्य के माध्यम से वो शिक्षा की व्यवस्था कराएगी। तो माँ बाप यानी कि अभिभावक आपके बच्चों की शिक्षा को कभी वंचित नहीं करेंगे, उनको उसमें शिक्षा के लिए रोकेंगे नहीं, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। अगर ऐसा कोई अगर व्यक्ति करता है तो एक तरह से कहिए उसको मौलिक कर्तव्यों का अपने उल्लंघन कर रहा है। तो ये तो बात थी बच्चों मौलिक कर्तव्यों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में बहुत कुछ जान चुके होंगे। ठीक है, धन्यवाद।